21 जुलाई को मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर जमीन कारोबारी आशुतोष शाही और तीन गार्डों को गोली मार दी थी। इस मामले का चश्मदीद गवाह ओमनाथ उर्फ ओंकार नाथ 10 दिनों से पटना के निजी अस्पताल में भर्ती था। अब ओमनाथ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही हत्याकांड में मृतकों की संख्या 4 हो गई। अहम बात यह है कि इलाज के दौरान होश में आने के बावजूद ओमनाथ का बयान पुलिस ने नहीं लिया था। अब इसको लेकर पुलिस पर बड़ा सवाल उठा है। आशुतोष शाही की पत्नी दीपांदिता ने गार्ड की मौत के बाद डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी को मेल भेज इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की इस लापरवाही का क्या कारण है, यह समझ से परे है। दीपांदिता ने डीजीपी को बताया है कि वह बीते 25 जुलाई को पटना में भर्ती ओमनाथ से मिली थी। तब उसने घटना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। घटना में जीवित बचे चश्मदीद गार्ड का बयान इस केस का सबसे बड़ा पहलू था, लेकिन पुलिस ने उसका बयान लेने का प्रयास नहीं किया। दीपांदिता ने बताया कि उसने खुद गार्ड से घटना के बारे में पूछा, फिर परिवार के अन्य सदस्य ने भी उससे बात की। उसने सभी को घटना के बारे में एक ही बात बताई। ऐसे में पुलिस उसका बयान दर्ज करती तो अहम होता। दीपांदिता ने कहा कि घटना का दूसरा चश्मदीद जूनियर वकील अमन चाचान है। पुलिस ने उसका इंट्रोगेशन भी अब तक नहीं किया। उसका इंट्रोगेशन भी इस केस के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अब इस हत्याकांड की जांच सीआईडी करेगी। सीआईडी को केस का चार्ज सौंपने का निर्देश मुख्यालय ने दिया है। केस के आईओ केस सीआईडी के इंस्पेक्टर अशोक झा को केस का चार्ज सौंप देंगे। फरार चल रहे आरोपित गैंगस्टर मंटू शर्मा, कुख्यात शूटर गोविंद कुमार और प्रॉपर्टी डीलर रंजय ओंकार की गिरफ्तारी सीआईडी के लिए चुनौती होगी। इधर सीआईडी के अधिकारी बीते 2 दिन से शहर में अपने स्तर से घटना के संबंध में जानकारी जुटा रहे थे। इसमें घटना स्थल से लेकर नगर थाना तक सीआईडी के इंस्पेक्टर और एएसआई पहुंचे। नगर थानेदार से बात कर दोनों ने नामजद आरोपितों के अलावा घटना में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से शामिल साथियों के संबंध में जानकारी ली। आशुतोष की हत्या में जमीन ही वजह है या इसके पीछे और भी कारण है, इन बिंदुओं पर भी अधिकारी शहर में जानकारी जुटा रहे हैं। हत्याकांड में आशुतोष की पत्नी दीपांदिता ने 4 अज्ञात सूत्रों को भी आरोपित बनाया है। अब इनकी पहचान और उसकी गिरफ्तारी भी सीआईडी के लिए चुनौती होगी।